कितने तेज है मधुबनी की लताओं में घनी श्याम तुम्हें देखूं मधुबनी की लताओं में वृंदावन बिहारी लाल की आज के आनंद की पिताई गौर ब्रह्मानंद हमारे घर का मालिक कहाँ है एक घर के मालिक ब्रह्म संतोष देवी सुखवीर श्री सुखवीर हाँ सुखवीर प्रभु जी हाँ ठीक सब ठीक ठाक है ना किराएदार सही एकदम सही बताए मालिक नीचे नहीं आगे बैठे ठीक है आप यहाँ बैठ सुखवीर सुखवीर हाँ
कहते श्री श्री हमारे श्री सुखवीर प्रभु जी अपना बेटी की शादी के उपलक्ष्य में इन्होंने घर में संतों को बुलाए, घर में हरि कीर्तन, घर में सत्संग हरि कथा हो रही है। इससे बढ़िया जगत में और कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए कोई भी हम काम करे, हाँ पहले यही तो होता था, घर में कीर्तन हो सत्संग हो, पहले ये नहीं था डीजी लगा करके डिस्को डांस को ऊपर में शराब पी गा करके उल्टा सीधा हो गया, उल्टा सीधा नाच गान नहीं होता था। पहले हर चीजों में क्या करते थे, भगवान की नाम कीर्तन सबके सब करते थे। इसलिए सुखवीर प्रभु जी ये भी अपना बेटी की उपलक्ष्य करके उन्होंने घर में संतों को बुलाए, प्रभु का कीर्तन कथा कर रहे हैं। इसलिए शास्त्र में बताए, बोले मधुरम मधुरम मेतद मंगलांग मंगलानाम सकल निगम बली सत्फल चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा भृगुवर नर मात्र तारयते कृष्णन। कहते भगवत नाम का कितना प्रभाव है, कहते जो ठाकुर जी का नाम है, कहते मधुरम मधुरम मेतद, मतलब मीठे से भी अगर जगत में सबसे कोई मीठा हो सकता है क्या है, बोले भगवान का नाम है। और जितने मंगल में भी अगर कोई मंगल हो सकता है वो क्या है, ठाकुर जी का नाम है। कहते अगर सारे शास्त्र को मंथन की जाए, अगर उसमें मक्खन निकलेगा तो क्या निकलेगा, भगवान का नाम ही निकलेगा। इसलिए श्री श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, अगर कोई भगवान का नाम करना शुरू कर दे, भगवान का नाम करना शुरू कर दे, कहते उसको साथ साथ में तीन काम हो जाता है। कितना काम हो जाता है, क्या क्या बताओ, क्या क्या होता है? हाँ देखो सुन लो अच्छे तरह से, जो भगवान का नाम केवल करना शुरू कर दिया, कद जमपुरी में श्री जम महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं। कद ये चित्रगुप्त कौन है, कहते हम जीवन में जो कुछ कर रहे हैं, गुप्त मतलब होता है छुपा करके, चित्र मतलब फटो, जो हमारे सारे फटो को वो छुपा छुपा करके ले रहे हैं। हम कोई भी काम को बगैर चित्रगुप्त से कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अगर दिन में कोई काम करेगा ना, साखी ये सूरज है, रात में कोई काम करेंगे तो उसका जो साखी चंद्रमा रात और जो दस दिशाएं हैं। लेकिन भगवत नाम करने का इतना महत्व है, जो केवल ठाकुर का नाम करना शुरू कर दे क्या होता है, चित्रगुप्त जी को जब महाराज बोलते हैं, बोले चित्रगुप्त इधर लाओ डायरी लाओ, बोले क्या करना, बोले ये व्यक्ति का नाम को काट दो यहाँ से, ये व्यक्ति का नाम काट दो। बोले किस लिए, बोले ठाकुर का नाम जब कर रहा है ना, ठाकुर का नाम कर रहे हैं, अभी ये कभी जमपुरी में नहीं आएगा। दूसरा काम क्या है, कहते पितामह ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में आरती की थाला सजाना शुरू कर देते हैं। बोले क्यों, बोले ये व्यक्ति भगवान का नाम जप कर रहा है, नाम जप करने पर क्या होगा, सारे भूर भुव मोह जन तप सत्य लोक को पार करते हुए सीधा भगवान का धाम में जाएगा। इसलिए पितामह ब्रह्मा जी आरती का थाला सजाना शुरू कर देते हैं, ये व्यक्ति जब गोलोक वृंदावन जाएगा उसको बीच में हम इसको आरती उतारेंगे। बोले तीसरा काम होता है, तीसरा काम क्या है, बोले वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को कहती हैं, बोले डायरी ले आओ, बोले किस लिए, बोले ये व्यक्ति का जो नाम है ना, ये डायरी में व्यक्ति का नाम को लिख दो, क्योंकि ठाकुर जी का नाम ले रहा है ये व्यक्ति, सीधा गोलोक वृंदावन पहुंचेगा, श्री राधा रानी की दासी बन करके गोलोक वृंदावन पहुंचेगा। इसलिए भगवत नाम ग्रहण करने का इतने फायदा है। और जिसकी घर में हर समय ठाकुर जी का नाम हो, हर समय ठाकुर जी का कीर्तन हो, हैं, और पूरा परिवार भगवान का भक्ति करते हुए हो, फिर तो कहना क्या है। इसलिए ये परिवार में माता जी का नाम संतोष, क्या संतोष माता जी है, ये हर समय वृंदावन आती है, भजन करती है और पूरा परिवारों को लेकर के भक्ति करवाना चाहती है। इसलिए इनकी बेटी की शादी के उपलक्ष्य में इनकी बेटी की शादी ठीक से हो जाए, और इनका बेटी बेटी को और किसका शादी हो रही है, ये वाली, इसलिए ये घर में जाए और सुख में रहे, हाँ अपना परिवार के साथ में सुख शांति में रहे, इसको उपलक्ष्य करते हुए आज घर में सत्संग कीर्तन हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात। इसलिए कहते ना मंगल भवन अमंगलहारी, भगवान का नाम को द्वारा कोई भी काम कराया जाए वो जरूर मंगल
मंगलमय हुए। इसलिए आज यहाँ पर बड़े बड़े सब हमारे गुरुजी के सब शिष्य लोग आए हुए हैं, और थोड़ी थोड़ी साधु संघ की जीवन का क्या लक्ष्य है, हमें भगवान ये जीवन क्या क्यों दिया है, ये जीवन पा करके हमें क्या करनी चाहिए, इसी विषय के ऊपर में हमारे भक्त लोग थोड़ी 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 ज्यादा नहीं थोड़ी थोड़ी पुष्पांजलि प्रदान करेंगे। इसलिए हमारे श्री जीत प्रभु जी को हम प्रार्थना करते हैं। जीत प्रभु जी थोड़ी सी हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक ले लो तेज आवाज वाला। पीछे कोई खोल रहा है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहितु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त गुरुवर्ग के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ और उनकी भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद हमारे बीच में पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, महाराज जी की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। और जितने भक्त लोग यहाँ पर वैष्णव लोग वैष्णवी माताएं दीदी लोग प्रभु लोग जितने भी भक्त लोग यहाँ पर हैं सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम करता हूँ। आज बाहर बहुत सर्दी है, हमें भी बहुत सर्दी लग रही थी पर अब यहाँ पर अभी सर्दी नहीं लग रही, इतने सारे भक्त लोग बैठे ना। भक्तों का गर्मी है अभी, भजन का गर्मी है। ये जो माता जी है ना जिनके घर में आज प्रोग्राम है, महाराज जी भी आए भक्त लोग आए, ये एक महीने से बड़ा उत्साहित है कि हमारे घर में क्या भक्त लोग आएंगे। पहले भी इनकी बेटी की शादी हुई तब भी इन्होंने बुलाया था, ये हमारी वैदिक परंपरा है। कभी भी कोई आए पहले संत लोगों से आशीर्वाद लेना, कोई भी शुभ कार्य हो हाँ कोई भी कार्य हो। यद्यपि नियम प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे गुरुदेव हर पल हर क्षण गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए, भगवान को कभी भी एक पल भी हमें भूलना नहीं चाहिए। परंतु कोई कोई लोग क्या है आजकल भगवान को भूल गए हैं, कोई भी शुभ कार्य हो भगवान को शुभ कार्य में भी याद नहीं करते वैसे भी याद नहीं करते। परंतु कोई भी कार्य हो यदि घर में संत लोग आए तो महाराज जी जैसे बता रहे थे मंगल ही होता है। तो इनकी बेटी की शादी है शायद अभी इस महीने में शायद अगले में है ना अगले में हाँ अगले महीने में 16 तारीख। तो इन्होंने पहले से ही व्यवस्था पहले सबसे पहले निमंत्रण किसको दिया संत लोगों को दिया है या भगवान, क्योंकि जहाँ संत लोग आते हैं वहाँ भगवान भी साथ साथ आते हैं। क्योंकि हमें नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। जब संत लोगों के हृदय में क्या है गोविंद विश्राम करते हैं। क्यों करते हैं गोविंद विश्राम? क्योंकि भगवान जगत के सभी लोग दुखी हैं, अभी सभी लोग भगवान की सेवा का तो करना चाहते नहीं, भगवान से ही कुछ ना कुछ लेना चाहते। कहते हैं ना कि एक कीर्तन है माँ मुरादे पूरी करके लड्डू पूरी बांटूंगी, ऐसे करके ऐसे बहुत सारे कि सभी लोग भगवान से देवी देवताओं से कुछ ना कुछ मांगने में लगे हुए। पर जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं जैसे अम्बरीश महाराज हैं ऐसे ऐसे जो वो क्या है भगवान की सेवा ही करते और भगवान को पुकारेंगे भी तो भगवान की सेवा के लिए पुकारेंगे। तो भगवान के जो भक्त सेवा करना चाहते हैं प्रभु आप हमारे हृदय में आइए, क्यों? क्योंकि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं बस और कुछ नहीं। तो जो सेवा करने के लिए आते हैं भगवान वहीं तो विश्राम करेंगे, और जो कोई बुलाएंगे कि प्रभु आप आ जाओ हमारा ये काम कर दो हमारा वो काम कर दो भगवान विश्राम कहाँ कर पाएंगे। इसलिए शुद्ध भक्ति एक ऐसे हैं जो भगवान को विश्राम कराते कहाँ अपने हृदय में। तो जब संत लोग आते हैं तो क्या होता है अपने घर में ठाकुर जी को लेके आते हैं, ये तो एक बात है। और
अभी कल हमारे एक चैनल है हमारे विजय कृष्ण प्रभु जी को चला रहे गुरुदेव की मधुर स्मृतियां, उसमें एक प्रभु जी आए कल अजय पायलट हमारे गुरु जी के शिष्य है वो कल इतनी सुंदर बात बता रहे थे, कह रहे देखो भारत के लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। भारत में मैं जब था तो मेरे को साधु संग मिल जाता था, वृंदावन भी चला जाता था, नवदीप भी चला जाता था, यह संतों का दर्शन बड़ा आसान था। अब मैं यहाँ कहाँ पर आ गया, विदेश में आ गया, और यहाँ पर दूर दूर तक साधु संघ नहीं है और भगवान का नाम भी सुनने को नहीं मिलता। इसलिए हम लोग कितने सौभाग्यशाली, हमारा भारत में जन्म हुआ और भारत में यहाँ पतित हमारी पतित पावन जमुना महारानी यहाँ बैठती है दिल्ली में, और थोड़े से दूर यहाँ पर गंगा जी भी है, और यहाँ पर वृंदावन धाम है, हरिद्वार धाम है, यहाँ पर गया काशी सारे धाम यहाँ पर है, और यहाँ संतों का समागम है। इसलिए बहुत जन्मों के बाद भागवत में आया पांचवें स्कंद में, कोटि कोटि जन्मों के बाद हमें भारत भूमि में जन्म मिलता है, और भारत भूमि में जन्म होने पर भी बहुत कम ऐसा होगा कि धार्मिक परिवार में हमारा जन्म हो, वो भी हमारा मिल गया, क्योंकि सबके तिलक लग रहे हैं, थोड़ा बहुत भगवान का नाम कोई ना कोई करते ही है, और उस धार्मिक परिवार में भी सदगुरु परंपरा मिलना बड़ा दुर्लभ। सदगुरु परंपरा जो कि कृष्ण हैते चतुर्मुख, हे कृष्ण सेवानुमुख, ब्रह्मा हैते नारदेर मती, हम लोग उस चैतन्य महाप्रभु की धारा में, विशेषकर जो भगवान कृष्ण से जो ज्ञान आया, ब्रह्मा जी नारद जी आदि आदि, और स्वयं सचिनंदन गौर हरि चैतन्य महाप्रभु आए, उसी धारा में रूप गोस्वामी आए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जगत गुरु प्रभुपाद, हमारे गुरुदेव और महाराज जी, उस परंपरा में हम लोग जुड़े हुए हैं। कितना सौभाग्य सोच नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य 4 लाख, कल हम लोग कथा सुना रहे थे, 4 लाख जो मनुष्य ही होने हैं उसमें भी बहुत प्रकार के लोग हैं, कोई भूखी है, कोई त्यागी है, कोई कर्मी है, कोई जैनी है, कोई मायावादी है, कोई कुछ है, उसमें भी शुद्ध जो वैष्णव परंपरा है, शुद्ध संतों का जो दर्शन है और शुद्ध संतों की जो सेवा है, इसमें भगवत गीता का ज्ञान है, भागवत जी का ज्ञान है, चैतन्य चरिता में आदि आदि के चैतन्य महापुरुष के मुख निकलित वाणी है, जिसमें ऐसे जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली है। इसमें आने के बाद क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले गुरु पदाश्रय ग्रहण करना चाहिए। रूप गोस्वामी पाद ने बताया, जब तक जीवन में सद गुरु पदाश्रय नहीं कर लेते तब तक क्या होगा, भजन का भाव ही प्रारंभ नहीं होगा। जब गुरु परंपरा में सद गुरु से पदाश्रय ग्रहण करने के बाद क्या करना पड़ता है, यहाँ तक नहीं हो जाता। यद्यपि जैसे कि एक DPS स्कूल है या कोई आर्मी का स्कूल है, यहाँ पर उसमें एडमिशन होना बहुत कठिन है, किसी तरह से मिल भी गया तो इसका मतलब नहीं हम हमारी PhD हो गई, उसमें पढ़ना पड़ेगा, नर्सरी KG फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्वेल्थ पढ़ना पड़ेगा, ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, जब जाके IAS PCS से कोई अधिकारी बनेंगे। तो हम इस परंपरा में आ गए हैं। अब आने के बाद गुरु पदाश्रय भी ज्यादातर लोगों ने कर लिया, यहाँ पर जिन्होंने नहीं किया है वो बहुत उनके लिए बहुत शुद्ध अवसर है, इन भागवत की कथाओं को सुने। बिना गुरु के जीवन क्या होता है, पशु के समान है। इसलिए जीवन में क्या होता, जब तक भगवान की कृपा होती है तभी इसको सदगुरु प्राप्त होते, बिना भगवान की कृपा से सदगुरु प्राप्त नहीं होते। और जिनको हो गए वो क्या करें, गुरु की सेवा, गुरु के पदाश्रय करने के बाद यहाँ से भजन हो गया हमारे सिद्धि होगी नहीं, उनके बाद उनकी गुरुदेव की मन की भावना से, मन बुद्धि सबसे उनकी सेवा करनी पड़ेगी। जो अन्ना विलासिता शून्य जो गुरुदेव श्लोक बताते थे, उसको भगवान की सेवा में लगाते लगाते गुरु की सेवा में पहले लगाना पड़ेगा। सभी प्रकार की अभिलाषाओं से रहित होकर, निष्कपट होकर, गुरुदेव की जो हृदय में जो भावनाएं हैं, गुरुदेव हमसे क्या चाहते हैं, वैसे हमें उनके भाव के अनुसार उनकी सेवा करनी पड़ेगी और उनके अनुसार चलना पड़ेगा, तब जाके हमारे क्या होगा, हमारे अनर्थ दूर होते हैं, हमारे पाप हैं, क्लेश हैं, दुख दूर होने लगते हैं। कोई कहता हमारे हो नहीं रहे, क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि हम ठीक से गुरु पदाश्रय ग्रहण करके और गुरु की सेवाएं नहीं कर रहे ठीक से, अपनी मर्जी से जब तक करते हैं तब तक भक्ति नहीं है। भक्ति क्या होता है, शास्त्र के उपदेशों को ठीक ठीक से श्रवण करना और ठीक ठीक से गुरुदेव के अनुसार उनको पालन करना। अगर नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो अभी भक्ति शुरू नहीं होगी, कितना भी कर लो कोशिश। इसलिए उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें गुरु वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, 5 कार्य करने चाहिए जो हमारे सारे शास्त्रों का सार है। क्या है,
एक भगवान के गृहस्थों के लिए क्या कर्तव्य है, सबके लिए कर्तव्य है, पर विशेषकर गृहस्थों के लिए कर्तव्य है। अगर भक्ति के 564 प्रकार के भक्ति के अंग है, अगर कोई किसी प्रकार 9 प्रकार से भी पालन कर ले वो बहुत ही सौभाग्यशाली है। उसमें 9 में से कम 5 का पालन कर ले। 5 क्या है, एक भगवान घर में विग्रह को लाए, राधा कृष्ण विग्रह या चित्रपट भी हो, उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करें, उनको भोग लगाना, उनकी मंगल आरती करना, दोपहर को भोग लगाना, शाम को भोग लगाना है, जैसे हम, और उनको सर्दी के कपड़े पहनाना, गर्मी में गर्मी के कपड़े पहनाना, सर्दी में उनको गर्म गर्म चीजें खिलाना, गर्मी में ठंडी ठंडी चीजें खिलाना है, ऐसे उनको आत्मवत गुरु विग्रह की सेवा करनी चाहिए। और दूसरा क्या है, मथुरा में वास करना चाहिए, मथुरा मंडल में या ब्रज मंडल में, नवदीप धाम में, जो जब जब धाम जहाँ पर होता है, हमारे रूप रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, यदि इच्छेर वासा ब्रजभूमि सरागम प्रति जनुर युद्वंद तच्चेत परिचद अराध विलसे स्वरूपम सी रूपम सगर्मी तस्सा ग्रजम स्फुटम प्रेमना नित्य स्मरण नमा तदा त्वं शृणु मन। हे मेरे प्यारे भैया मन, यदि तुम ब्रज में वास करना चाहते तो क्या करो, यदि इच्छेर वासा ब्रजभूमि अनुराग के साथ के, तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, स्वरूप दामोदर आदि आदि संतों के अनुगत्य में क्या करो, नित्य नित्य क्या करो, धाम में वास करो। और धाम में वास करो कैसे, अगर हम अपने आप धाम में जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमें धाम में दिखेगा, धाम में क्या है, पंडे लोग लूट रहे हैं, या बंदर चश्मा लेके चला गया है, या सुअर यहाँ पर नाली में लेटे हुए हैं। पर जब रूप गोस्वामी की जैसी हमारी परंपरा है, चैतन्य महाप्रभु की धारा में जाएंगे, तो जैसे हमारे गुरुदेव परिक्रमा कराते हैं ना, कितने सुंदर सुंदर वहां बरसाने की लीलाएं हैं, महावन गोकुल में लीलाएं हैं, रावल में आदि आदि लीलाएं हुई हैं, और वहां पर खदीर वन है, बंसी भट है, धीर समीर है, बहुत सुंदर सुंदर स्थान है। अगर कोई सदगुरु परंपरा में आकर इतनी सुंदर सुंदर ये कथाएं सुनेंगे, तो नारद जी ने भगवान से वचन लिया था, जो प्रभु आपके धाम में आएगा और इस ब्रज धूलि को प्रणाम करेगा तो उसको निश्चित ही भगवान का प्रेम उसके हृदय में निश्चित ही प्राप्त होगा। इसलिए क्या करें, बीच बीच में धाम में जाना चाहिए। अगर दो धाम में नहीं जाता तो क्या करना चाहिए, कभी कभी धाम में जाओ फिर मन से चिंतन करो। कोई कोई कहते नहीं, मन से ही चिंतन कर लो, कैसे होगा, पहले तो जाना ही पड़ेगा ना। जिस किसी ने गुरु जी के अनुगत्य में गिरिराज की परिक्रमा लगाई है और ब्रजमंडल परिक्रमा लगाई, वो मन मन से भी चिंतन कर सकता है, पर जिस किसी ने कभी लगाया नहीं तो कैसे चिंतन करोगे। इसलिए हमें धाम में जाना चाहिए। और तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, भागवत श्रवण। भागवत श्रवण करने से क्या होता है, महाराज जी हमेशा बताते हैं, बहुत प्रकार की श्रवण की महिमा है। इसलिए महाराज जी ज्यादा बताते तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। ये कथा कैसी है, भगवान की कथा अमृत है, ये मृत व्यक्ति को भी अमर बनाने वाली है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। और जो इस संसार में, जो इस संसार में झुलस रहे हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष अड़ोसी पड़ोसी की चुगली इधर की उधर की दिन रात आपस में ही मर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो दिन रात जिनका हृदय तप रहा है, ऐसे व्यक्तियों को क्या है, भगवान की कथा परम शीतल परम सुखदायी है, परम आनंद देने वाली है। इसलिए इन भगवान की कथाओं को निरंतर सदगुरु के मुख से श्रवण करना चाहिए। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरिडितम कल्म सापहम। और ऐसे ऐसे बड़े बड़े कवियों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने ऐसा कहा है, इससे सुनने से क्या होगा, कल सारे प्रकार के कलमश दूर हो जाएंगे और भगवान के चरणों में हमारी मति रति हो जाएगी। इसलिए भागवत श्रवण करना चाहिए, किससे, जो निरंतर तुष्यंती च रमंती च कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। जो क्या है, मेरे जो मेरे भक्त हैं और जिन्होंने अपने मन प्राण बुद्धि सबको मेरी चरणों में लगा दिया है, और जो मेरे अलावा कुछ नहीं जानते और जो मेरी कथा लोगों को सुनाते, ऐसे संतों के मुख से श्रीमद् भागवत श्रवण करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। जो महाराज जी बता रहे थे, कलयुग में नाम कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में एक सबसे शक्तिशाली साधन है, जो कि सारे पुराणों में भागवत में आदि आदि बताया, नाम बिना किछु नाई यार 14 भुवन माजे। पूरे 14 अतल वितल सुतल पातल रसातल महातल जनलोक तपलोक मेहरलोक 14 जो भुवन है, 14 जो उसमें नीचे से लेकर ऊपर तक लोकों में भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, यहाँ तक ब्रह्मा जी को जपते, शिव जी भी पार्वती आदि आदि सब लोग जपते, और भगवान के नाम के प्रभाव से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं।
हैं, और विष्णु पाल विष्णु भी भगवान का अपने स्वयं राधा जी का नाम ले लेके क्या करते हैं, पालन करते हैं, और शिव जी इसका संहार करते हैं। सारे जगत में देवता लोग भी भगवान के नाम की कृपा से ही जीते, देवी भी जितनी भी कृपा करती है नाम के कारण। इसलिए कलयुग में क्या है, कलयुग में सतयुग में त्रेता में द्वापर में सब युग में नाम की महिमा है, पर कलयुग में विशेषकर जीव इसकी क्या मंद आयु है और बुद्धि बड़ी मंद है। इसलिए भगवान का नाम क्या सारे शास्त्रों का सार है। इसलिए गृहस्थों को कर्तव्य है, वानप्रस्थों को कर्तव्य है, सन्यासियों को कर्तव्य है, ब्रह्मचर्य कर्तव्य है, एकमात्र भगवान के प्रिय नामों को आश्रय लेकर नाम करें। और चौथा क्या है, साधु संग। इस सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि अगर एक कर लोगे ना साधु ऐसे हैं, अगर शुद्ध भक्तों का संग करोगे ना चारों अपने आप करा देंगे, और नाम की महिमा भी सुना देंगे, धाम भी ले जाएंगे। महाराज जी कहते हैं ना, अनाउंसमेंट करते हैं, चलो कार्तिक में चलो हम बस करेंगे। सिर्फ साधु संग इनका प्राण है, जैसे होता है ना पंच प्राणों में, भागवत का सार क्या है, पांच प्राण जो गोपी गीत भ्रमर गीत आदि आदि गीचे, हर किसी के प्राण होता है, एक प्राण होता है, तो मुख्य प्राण क्या है, ये साधु संग। अगर किसी को ये भी बहुत कोटि कोटि जन्मों की सुकृतियों के फलस्वरूप क्या साधु संग मिलता है, और उत्कृष्ट साधु संग श्रेष्ठ साधु संग मिलता है, तो हम लोगों को इतनी सुविधाएं मिल गई है, इतना उन्नत कोटि का संग हमें को प्राप्त हुआ है, इतनी जो मैं बता रहा ऐसी परंपरा बहुत दुर्लभ है, और ऐसी प्राप्त भी हो गई है। और साधु संग हमें करना चाहिए। साधु संग करने से क्या होगा, ये वो अपने आप नवदीप धाम ले जाएंगे, नवदीप धाम की महिमा सुनाएंगे, टिकट करा देंगे, आपको ले जाएंगे, और वहां पर श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सत्यमात्र सारे सारी क्रियाएं आपकी अपने आप हो जाएंगे। इसलिए पांच प्राण क्या है, ये साधु संघ का मुख्य एक प्राण है। और पांचवा क्या है, कोई सुन रहे कि नहीं सुन रहे, तो ये पांच प्रकार के हर कार्य व्यक्ति को करना चाहिए। मैं समय ज्यादा ले लिया, आप क्षमा करेंगे। इसमें साधु संघ को विशेष कर अपनाएंगे, जब भी साधु का संघ अवसर मिले इसको आप लोग जरूर श्रवण करने का लाभ उठाएं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे जोर से बोलो बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमः कृष्ण पादाय राधिकाध्यात्मय श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिनि श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षं अवतार्य माधुर्य गुणश्चैतौ वरं वरेण्यं पुरुषमान्तं नारायणं तं च शरणं सर्वतोमपि गुरुपाद पद्मनिधिरेव प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र शशि शिव भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभिचरण कमलों में हाथ जोड़ी डटे प्रणाम करते हुए उनसे उनके अंतरी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। समस्त रूपानुगुरुवराचार्यों के अभिचरण कमलों में धनुर प्रणाम करते हुए उनसे उनके अंतरी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। कुछ बात शिला श्रीमद भक्ति वेदांत शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभिचरण कमलों में हाथ जोड़ी डटे प्रणाम करते हुए उनसे उनकी ऐतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझ पर हम सब पर कृपा करें कि हम अपने साधन भजन में आगे बढ़ पाए। पहली बार ठंड लग रही है। जब महाराज जी को आते हुए देखा ऐसा लगा जैसे गुरुदेव आ रहे हैं। वो सारी स्मृतियां आ गई, जैसे गुरुदेव आते थे, हम ये कीर्तन करते थे जय स्वागत हम गुरुदेव, तो इनका ये था कुछ यही अनुभूति होती है कि जो ऐसे सदगुरु के आश्रित जो जन है वो उन्हीं का ही प्रकाश है, वो साक्षात वही है। गुरु अखंड गुरु तत्व है, गुरु तत्व जो अभिजीत प्रभु बता रहे थे वो अनुभूति कुछ 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 करा देते हैं, कुछ कृपा करते हैं आप पे, तो गुरुदेव साक्षात गुरुदेव आए हैं
हम जीवों पे कृपा करने के लिए इसी बात को हमें समझना है। एक एक छोटा सा प्रसंग गुरुदेव का ही याद आ रहा है। एक बार गुरुदेव कुल्लू मनाली गए हुए हैं और हमने ये प्रसंग कई बार सुना है कि खाई में एक खच्चर गिरा हुआ है। पहाड़ चढ़ने के लिए खच्चर या टट्टू वगैरह ये यूज होते हैं, तो वो जानवर नीचे गिरा हुआ है, उसका मालिक ऊपर खड़ा हुआ है और नीचे देख रहा है। और नीचे देखने से क्या दिख रहा है कि वो भी जिंदा है, अधमरा सा है, तड़प रहा है। तो गुरुदेव बस उसको देखे हैं और थोड़ा सा आंसू उनके आ गए और चले गए। तो जो साथ में भक्तगण थे उन्होंने सोचा कि देखो गुरुदेव का कितना हृदय करुणामयी है कि एक जीव के कष्ट को देख के उन्हें कष्ट हो रहा है करुणा। परंतु गुरुदेव बाद में बताते हैं कि हमें ऐसी ऐसी योनियों में जाना पड़ा, कि ऐसी ऐसी योनियों में हम गए हैं, हाँ ऐसे उस खट्टर वो टट्टू खच्चर की तरह भी जन्म लिया होगा। सारा जीवन क्या किया है, सारा जीवन उस खच्चर ने क्या किया, पैसे कमा कमा के किसको दे रहा था, मालिक को। और मालिक क्या खा रहा था, घास भूसा। खुद क्या खा रहा था, बढ़िया बढ़िया। और उसको क्या दे रहा था, घास, खाली घास दे रहा था। जो मार देता था वो अरे उस खच्चर से अगर मैं अपनी तुलना कर रहा हूं, क्षमा करना, ऐसा ही तो है। पूरा जीवन कर क्या रहा हूं, कभी माता पिता के लिए जी रहे हैं, कभी घर बंधु इन्हीं के लिए तो कमा कमा के दिए जा रहे हैं। 3 मंजिला 4 मंजिला 10 एकड़ 20 एकड़ 10,000 2 लाख 40 लाख बस जमा करते जा रहे हैं। किस लिए, इनके लिए क्या है, उन्हीं को ही दिए जा रहे हैं। अपने लिए मैंने क्या किया है, अपने लिए मैंने क्या किया। तो ऐसे सदगुरु ऐसे वैष्णव जन आके हमें बताते हैं कि देखो तुम्हारी स्थिति क्या है, कुछ अपने लिए करो, ये हरि नाम ये हरि भजन करो, यही इसी के लिए ही ये मनुष्य जीवन मिला है। जी प्रभु इतनी सुंदर बात बता रहे थे कि भारत भूमि में जन्म, और भारत भूमि में भी जन्म कहां, ऐसी जगह ऐसे परिवार में। अगर हम में से कोई मुस्लिम या ईसाई परिवार में भी भारत में भी आ गया होता ना, तो बहुत मुश्किल चांस था कि आज यहाँ बैठे होते। और देखो ना, अगर हम उस परिवार में भी आए जहां पे हमने राम कृष्ण सुना, उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा भगवान ने ही हम पे कृपा करके ऐसा सुयोग हमें दे दिया कि हम किसी भक्त के संपर्क में आ गए, और ऐसे गुरु वैष्णवों के हमें दर्शन करने का सुयोग करने का मिल रहा है, जिनका दर्शन करना ही बड़ा दुर्लभ है। और उनका क्या है, हमें साक्षात संग प्रदान हुआ। अभी गाड़ी में आते होते हम यही बात कर रहे थे कि हमने क्या मेहनत करी है, एक चीज ये बताओ क्या मेहनत करी है, क्या हम लेके अंधेरे में ट्यूबलाइट वो क्या नाम है टॉर्च लेके या हल्ला मचाते हुए कि मुझे सतगुरु चाहिए, मुझे कृष्ण प्राप्ति करनी है, मुझे भगवत प्रेम चाहिए, वो अरे कोई गुरु है तो आ जाओ भाई मुझे ले लो, हे कृष्ण मुझे गुरु दो, हे कृष्ण मुझे आप चाहिए, हे राधा रानी मुझे आपका दास्ता चाहिए, क्या हम ऐसे चिल्लाते चिल्लाते घूम रहे थे क्या, हम तो ये चिल्लाते चिल्लाते घूम रहे थे, अरे मेरा बच्चा बीमार है ये ठीक हो जाए, पैसे की कमी है ये हो जाए, व्यापार ठीक चल जाए, केवल और केवल इस संसार में फंसने की बातें कर रहे थे। पर देखो ना, कृष्ण करुणा वरुणालय कृष्ण, उन्होंने क्या किया, करुणा करके हमें गुरु वैष्णव, ये हमें ढूंढते ढूंढते आ रहे, हमें ढूंढते ढूंढते आ रहे। अरे ओ जीव तू जाग जा, तू जाग जा, तू इस जगत का नहीं है इसीलिए दुख पा रहा है, इन बातों को समझ, इन बातों को समझ और क्या कर, अपने इस मूल्यवान बहुमूल्य ये जो मनुष्य जीवन जो कि बहुत ही आसानी से तुझे मिल गया, तुझे समझ में तो आ नहीं रहा है कि कैसे मिल गया, बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य जीवन मिलता है, वो 80
लाख प्रकार की योनियों में, और वो 4 लाख प्रकार के जो मनुष्य हैं उसमें भी कितने कितने प्रकार के मनुष्य बनते बनते आज हमारी चेतनता का स्तर कुछ इतना हुआ है कि कम से कम गुरु वैष्णवों के दर्शन कर रहे हैं, कुछ बातें सुन रहे हैं, समझने की चेष्टा कर रहे हैं। तो क्या करें, और उत्साह से निर्भय होके उन्हीं से प्रार्थना करें कि आप ही हमें क्या करें, अभय प्रदान करें, आप ही चिदबल प्रदान करें, और जैसी वो शिक्षाएं हमें दे रहे हैं हम उसका पालन करें। हम बार बार इसी बात को, अभी 2 दिन हमने, कल भी कोई मैरिज एनिवर्सरी का ही फंक्शन था, परसों भी यहाँ पे पीछे एक मैरिज एनिवर्सरी का ही फंक्शन था। तो हमें पता है कि जरूरी नहीं है कि त्यागी होके ही भजन होगा। भगवान ने कहीं नहीं कहा, कभी भक्ति देवी ये नहीं देखती कि हाँ ये सन्यासी है या त्यागी है तभी जाऊंगी। वो ये देख रही है कि ये व्यक्ति है क्या, इसके हृदय में है क्या, इसके अपने हृदय को बनाया क्या हुआ है। अपने हृदय को क्या बनाओ, हरि मंदिर बना लो, हरि मंदिर, हरि स्थापित करेंगे। पर क्या हरि ऐसे ही आ जाएंगे? अभी जीत प्रभु ने कहा क्या, गोविंद तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो सबसे अच्छा चीज क्या है, वो हरि पकड़ में आने वाला नहीं। तो क्या करो, ऐसे गुरु वैष्णवों को पकड़ के हृदय में बैठो, और ऑटोमेटिकली उनके हृदय में कौन है, हरि गोविंद। तो क्यों आ गया, बड़े आसानी से गोविंद पकड़ में आ गए ना। तो इसी बात को अगर हम समझ जाएं ना कि अगर उन गोविंद की, उन राधा रानी की भक्ति अगर मुझे चाहिए, मुझे करनी है, तो सबसे सरल उपाय क्या है, ऐसे ही सदगुरुओं के शरण पकड़ लो, इनकी शरण हो जाओ, जैसी ये शिक्षाएं दे रहे हैं उन शिक्षाओं को पालन करने की हम पूरी राजकुमार। इसीलिए हम क्या करें, ऐसा हमें बड़ा सुंदर सुयोग प्राप्त हुआ है, हम में से किसी को नहीं पता कि कल क्या हो जाए, अगले 1 मिनट क्या हो जाए, हम में से कौन घर पहुंच पाए या ना पहुंच पाए। जीत प्रभु की कल की बात याद आ रही है, कहते सुखी खुशी का मौका होता है, सुख का मौका होता है, और हम ये बड़ी दुख दुख की डर डर की बातें बताते रहते हैं, ठीक है। परंतु ये बातें अगर हम सुनेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि जिसको सुख माने बैठे हैं उससे भी बहुत ऊंचा एक आनंद, एक सुख हम प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे हैं, इन गुरु वैष्णवों के चरणों में शरणागत होकर। वांछा कल्प नमो विष्णुपादाय राधिकायै श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रील नारायण गोस्वामी नामे श्री कृष्ण लीला कथने सुलक्षम औदार्य माधुर्य गणेश युक्तम वरम वरेण्यं प्रसन्नान्तं नारायणं तं शिरसां नमामि। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सर्वभक्ताय नमो नमः। जय नवदीप नव प्रदीप प्रभाव पाषाण गजे कतिंगम स्वनाम संख्या जप सूत्रधारी चैतन्य चंद्र भगवान मुरारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादी शिखर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम स्मृति गुरुपाद पवन प्रातःकालीन स्मरण नित्य लीला प्रश्न जगत गुरु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्तिवेदांत परमहंस परमाचार्य वर्तनंदी स्वामी श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अरचरण गण में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा की वांछा करता हूँ। तदुपरांत अभिन्न गुरुपाद पद्म मध्य शिक्षा गुरुदेव मंचासी श्री श्रीमद भक्तिवेदांत सूत्र गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में भी अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी भी आपकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तदुपरांत समस्त रूपानु गुरु वैष्णव परंपरा के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी भी कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मातृ मंडली कथा पिपासु संत मंडली सज्जन वृंद सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम है। और पूज्यपाद जीत प्रभु जो कि मेरे मार्गदर्शक शिक्षा गुरु भी हैं उनके चरणों में भी मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम है। हरे कृष्णा।
आज आप सब लोगों के यहाँ फिर से एक बार देख के महाराज जी के चरणों में बैठे हुए मेरे को अपार हर्ष हो रहा है, क्योंकि ये जो हर्ष मेरे हृदय में है ना, ये मैं ही समझ सकता हूँ, या मेरे गुरुदेव समझ सकते हैं, या मेरे इष्ट देव ठाकुर जी समझ सकते हैं। अभी जो कथा हो रही थी ना, रोहिणी प्रभु बोल रहे थे कि हमने क्या प्रयास करा, तो मेरे को कुछ अभिमान हो गया बैठे बैठे, अभी 5 मिनट पहले ही बैठे बैठे मेरे को कुछ अभिमान हो गया कि हकीकत तो यही है, जैसे मैंने कोई प्रयास नहीं करा था आज से 16 वर्ष पूर्व कि मेरे जीवन में गुरु आए, वो सारी व्यवस्थाएं गुरुदेव ने करा दी पूज्य पाठ जीव स्वरूप के माध्यम से। ये मेरे क्या कहते हैं कॉलेज के मित्र भाई, इन्होंने क्या करा कि मेरे को चलिए मेरा मित्र है। और देखो सच में जो एक इंग्लिश में बात पढ़ते ना, अ फ्रेंड इज इंडीड अ फ्रेंड इंडीड, वास्तविक मित्र वही है जो आपके उस समय में काम आए, और हम तो सच में ही हर समय संकट में, तो ये मेरे वास्तविक मित्र हैं। इन्होंने मेरे को देखा कि भाई ठीक है लड़का तो ठीक है पढ़ा लिखा भी है, इसको मैं अपना संग दूंगा, गुरुदेव का दर्शन कराऊंगा, गुरुदेव की कथाएं, तो इन्होंने वो व्यवस्थाएं मेरे लिए पहली बना के रखी, गुरुदेव ने करवा के रखी कि बस इसको मेरे साथ चलना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने उन महापुरुष का दर्शन करा तो पता नहीं कैसे ये जीवन के साल पे साल पे साल साल 16-17 साल बीत गए इन सब लोगों के आश्रय में रहते रहते, और तो वो बैठे बैठे मेरे अंदर अभिमान हो गया कि हाँ अब जैसे आप लोग खुद से सोचना, मैं इस बात को नहीं कह रहा ना, मैं अपनी प्रशंसा कर रहा हूँ, आप लोग खुद सोचना कि सच में आप लोगों ने कौन सा ऐसा उद्यम करा था, या ऐसे आपने कौन से पहाड़ काटे थे तोड़े थे कि आपको ऐसे सद गुरुदेव महापुरुष एक आपके सामने जो आपको दर्शन देने वो प्राप्त हो गए। आप पाएंगे कि आपने कुछ नहीं करा, भगवान ने ऐसी व्यवस्थाएं किसी के माध्यम से करा दी और आपको ऐसे महापुरुष का दर्शन हो गया, सतगुरु के रूप में आपको मिल गए। तो सच में भगवान कितने कृपालु हैं, इस चीज का हम जब अनुभव करेंगे ना तभी हमको उनकी कृपा की अनुभूति जरूर होगी, भगवान अवश्य ही अपनी कृपा की अनुभूति कराएंगे। एक छोटा सा प्रसंग मेरे को याद आ रहा है जी, मैं पढ़ रहा था कल कि चैतन्य श्री चैतन्य मंगल में, मेरे को थोड़ा महाराज जी आप बताएंगे कि ये कवि कर्णपूर्ण जी ने लिखा है श्री चैतन्य मंगल, लक्ष्मणदास ठाकुर जी ने, तो वो एक जगह कह रहे हैं कि महाप्रभु जब अपने भक्तों के साथ में रहते हुए हरिनाम संकीर्तन करते थे तो वो अपने भक्तों के घर जा जाके नाम संकीर्तन करते थे, और वहां जाके अपने भक्तों के साथ में एक बात कहते थे कि ये जो मैं हरिनाम कर रहा हूं ना, तुम लोगों को सुना रहा हूं, तुम लोग इसको गाइए बोलिए, मुझे याद तो नहीं है तब पर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कुछ इसमें से बता दूं देख के भी, क्योंकि जैसे हम सुनते हैं ना भागवत जी में कहते हैं कि हमारी आयु भी कम है, बुद्धि भी बहुत कम है, तो मैं उसका प्रमाण हूं, तो आयु हम सबकी कम है, बुद्धि मेरी कुछ ज्यादा कम है। तो महाप्रभु कह रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रभु बोले कही राम यही महामंत्र, इया जप किया सबे करिया निर्बंध, इया है ते सर्व सिद्धि है वे सवार, सर्व क्षण बोले इतने विधि नहीं यार, किसे इन्हें की भोजन की बा जागरण, और निश्चिंत कृष्ण बोले हर वदाने, कलियुग धर्म नाम संकीर्तन, चारि युग चारि धर्म जीवे रे कारण, ऐसे कहते महाप्रभु बोल रहे हैं। इसमें उन्होंने सब कुछ बता दिया, क्या बता दिया, महाप्रभु कह रहे हैं अपने भक्तों को, श्रीमद महाप्रभु कह रहे हैं अपने भक्तों को, मैंने तुम सभी को यह महामंत्र क्या सुनाया है, तुम सभी इसकी निर्धारित संख्या रखकर जप करो, या इस बात को महाप्रभु कह रहे हैं। अब देखो जो महामंत्र करते हैं और जो संख्या निर्धारित करके कर रहे हैं, तो महाप्रभु ने तो अपने भक्तों को बोला, लेकिन हम किसकी शरण में आकर इस बात को समझ पा रहे हैं, गुरुदेव की शरण में ना, कि हमारे जीवन में गुरुदेव आए, गुरुदेव ने जब हमको नाम दिया और नाम दे के बोले कि कुछ निश्चित संख्या में इसकी आप जप करना, तो हम लोगों को निश्चित रूप से एक निश्चित संख्या में इस महामंत्र का जप अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव इस बात को नाम देते समय कहते ही कहते हैं और अपेक्षा भी करते हैं कि जिसको मैं ये नाम दे रहा हूँ वो इस मेरे उपदेश को धारण करेगा। महाप्रभु फिर कह रहे इया है ते सर्व सिद्धि है वे सवार, सर्व छन्न बोले इति विधि नाही यार, कह रहे कि इससे सभी प्रकार की सिद्धियां होंगी, जैसे नाम को बताया कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह है, ये जो भगवान का नाम है ना ये चिंतामणि के स्वरूप है और रस का विग्रह है,
इसको जब हम जप करेंगे ना तो ये हमको सब कुछ प्रदान कर सकता है। अगर हम संसार की कामना करेंगे तो ये हमको संसार दे देगा, अगर हम भगवत सेवा की कामना करेंगे ये हमको भगवत सेवा भी दे देंगे, अगर हम सदगुरु पद सेवा की भावना करेंगे तो ये हमको वो भी दे देंगे। मैं नाम कहते हैं चिंतामणि स्वरूप है ये नाम भगवान के। तो ये बात महाप्रभु कह रहे हैं कि इससे सभी प्रकार की सिद्धियां होंगी, सभी समय इसका उच्चारण करो, इसके अतिरिक्त और कोई विधि विधान नहीं है। फिर आगे महाप्रभु क्या कह रहे हैं, इस अयने की भोजने की वा जागरणे अहिर्निश चिंतरा कृष्ण बलह वदने। महाप्रभु कह रहे क्या शयन क्या भोजन तथा क्या जागरण, मतलब में इसमें कोई कंडीशन नहीं रखी है महाप्रभु ने, इसमें कोई कंडीशन नहीं रखी है कि भाई आपको सुबह पहले मंगल वेला में उठो नहाओ धो अच्छे वस्त्र पहनो तब नाम करना ना। महाप्रभु कह रहे की वा सजाने, सोने जा रहे हो करो, अगर आपकी स्थिति ऐसी कि बैठ नहीं पा रहे हो लेट के करो। कह रहे हैं कि भोजन प्रसाद पा रहे हो, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते बोलते पाओ, हर टुकड़े को मुंह में डालो और चबाते चबाते मानसिक रूप से जब चब जाए तो बोल दो हरे कृष्ण महामंत्र। तो महाप्रभु की करुणा देखो आप, इसी ने उनको महावदन्नाय बोला है ना, नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी घोरा तिस्से नमः। इतनी महावदन्नता है श्रीमन महाप्रभु की, और उसी महावदन्नता को धारण करके हमारे गुरुवर्ग पूरे विश्व में घूम रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि महाप्रभु तो भारत तक ही सीमित रहे, महाप्रभु का कहीं में विदेश जाने का तो नहीं सुना कि महाप्रभु विदेश गए थे, लेकिन उनके ये पार्षद लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, मलेशिया के देशों में जा रहे हैं भाई, गल्फ कंट्रीज जहाँ गाय माता को काट के लोग खा जाते हैं, लेकिन वहां भी जाकर उन संस्कारवान जीवों को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं। हमने खुद देखा तो ऐसे कितने मुस्लिम लोग थे जो गुरुदेव की सेवा में गुरुदेव के शिष्य हुए, ऐसे मुस्लिम लोगों को हमने देखा। तो इनकी महावदन्नता को हम भूल नहीं सकते, अनंत जन्मों में अनंत मुखों के द्वारा नहीं गा सकते कि ये महापुरुष कितना बड़ा कार्य महापुरुष की सेवा में कर रहे हैं। तो हम लोग तो बस तुतला रहे हैं, कह रहे कि स्मरण करो, किसी भी समय भगवान के नाम का स्मरण करो, उनके नाम का उच्चारण करो। फिर बोले सर्वदा श्री मुखे हरे कृष्ण हरे बलित आनंद धारा निर्विद्विज हरे, सदैव श्री मुख से हरे कृष्ण बोलते हुए श्रीमन महाप्रभु के नेत्रों से निरंतर अश्रु धारा प्रवाहित होती। और महाप्रभु जब ये नाम करते थे ना तो एक एक कृष्ण नाम पे उनकी आंखों से आंसू झरने की तरह बहते थे, ऐसा उनका एक दिव्य वो स्वरूप होता होगा। हम तो सुनते ही हैं, कभी कभी इन महापुरुषों के चरणों में बैठते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ अनुभव भी होता है कि हाँ ऐसा जरूर कुछ होता होगा। फिर कह रहे हैं कलयुग धर्म है नाम संकीर्तन। अब हम लोग थोड़ा इसको ध्यान से सुनेंगे क्योंकि हम लोग ना बहुत बहुत चीजों में फंसे हुए हैं, देवी देवताओं के माध्यम से या कहीं कहीं और चीजों के माध्यम से, लेकिन शास्त्र क्या कह रहा है, कलयुग धर्म है नाम संकीर्तन, चारि युग चारि धर्म जीवे रे कारण। कह रहे कि जो कलयुग है ना इसमें एकमात्र जो धर्म है ना वो नाम संकीर्तन है। हरियुग में भगवत प्राप्ति का या भगवान को प्रसन्न करने का एक मेथड होता था, एक प्रोसेस होता था, लेकिन इस युग में भगवान को प्राप्त करने का उनको प्रसन्न करने का जो प्रोसेस है वो नाम संकीर्तन है। हम जितनी मात्रा में भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे और संग मिलकर संकीर्तन करेंगे भगवान उतनी ही जल्दी हमसे प्रसन्न होंगे। और कोई भी जो है आप समझ लीजिए कि हमारे पास दूसरा कोई कारण नहीं है इस भवसागर को पार करने का, एकमात्र भगवान का नाम। और अंत में एक बात और बोलता हूं, श्रीमद् महाप्रभु कह रहे क्या बोल रहे, चला गया तो महाप्रभु कह रहे हैं कि इस प्रकार आप नाम करते करते क्या है कि संसार की समस्त जो बाधाएं हैं उनको पार कर लेंगे, और पार करके आपको जो है एक दिन निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होगी सतगुरु पदार्थ की सेवा करते करते, ठीक है। तो देखो ये सारी चीजें मैंने क्यों बोली, क्योंकि हमारी सबकी अवस्था एक जैसी है, जब हम सतगुरु के निकट बैठे हुए हैं तो हम अपने मन में यही भावना करें कि किस प्रकार से हम भगवान की सेवा और उनसे पहले जो हमारे सदगुरुदेव हैं उनकी सेवा कर पाए।
ठीक है। तो आप सब लोगों से भी मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी भगवान के उस नाम का संध्या पूर्वक जप करें और जैसे भी समय मिले सतगुरु पदाश्रय सेवा करने की आप निश्चित रूप से चेष्टा करें, ठीक है। बोलो सच्चिदानंद गौर हरि की जय। बोलो सच्चिदानंद नारायण गोस्वामी महाराज की जय। गोस्वामी महाराज की जय। जय जय श्री हरि बोल। बंद हो गया पूरा, उधर चलाओ, इको बंद करना, देखो जा आवाज बढ़ाज की आवाज आवाज बोलो बोलो। हरे कृष्णा, आ रही आवाज आ रही, बोलो। हाँ जी हाँ जी। हरे कृष्णा, ओम अज्ञानतिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म पूज्य पाद भक्ति विदान श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव ओम नित्य लीला प्रविष्टो विष्णु पाद अष्टोत्तर शत भक्ति विदान श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। श्रीमन महाप्रभु समेत समस्त गौर परिकर एवं मेरी समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हो और उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवों को प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ। हम लोगों का बहुत सौभाग्य है आज श्री महाराज जी के चरणाश्रित होकर के इनकी चरण शरण में बैठ करके हम लोग भगवत भागवत चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं। देखिए अभी मुझे श्री जीत प्रभु जी ने एक बात कही, मैं सोचा कि क्या बोलूं, पर इन्होंने जो कहा उससे थोड़ा हिंट मिल गया, ये भी भगवत कृपा ही है। इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मन के अंदर से छल और कपट इत्यादियों को छोड़ करके साफ मन से श्री भगवान का आवाहन करता है तो श्री भगवान प्रत्यक्ष रक्षा कारिणी शक्ति के साथ वहां पर उपस्थित होकर के उसकी रक्षा करते हैं। आज हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या यही है, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोग जो है स्वच्छ मन जो निर्मल मन जन सोमोई पावा का न्याय है उसको हम अपने ऊपर अभिमंत्रित नहीं करते हैं। इसीलिए साफ मन बहुत कम लोगों का होता है, बहुत ज्यादा कम लोगों का होता है। क्यों, इसका कारण क्या है? छल कब उत्पन्न होता है? जब हमें श्री भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होता, गुरुवर्गों के ऊपर हमारा विश्वास नहीं होता, उसी कारण से छल उत्पन्न होता है, कपट उत्पन्न होता है। श्री प्रहलाद जी जब अपने जब उनके जो विद्यालय के विद्यार्थी थे अपने सखाओं के साथ बैठे थे तो प्रहलाद जी ने कहा था कि उन सब बच्चों से कि मैंने देखा है। क्या देखा है आपने? उन्होंने कहा कि भगवान रक्षा का विधान करते हुए रक्षा के लिए प्रत्यक्ष शरणागतियों के पास पहुंचते हैं। जेहि कुम्हार आवा के भीतर बर्तन पक गए कच्चा, उसी आवा हांडी के अंदर बच गए बिल्ली के बच्चा। बोले मैंने देखा है। क्या? जब एक दिन कुम्हार ने आवा लगाया अपने बर्तन को पकाने के लिए तो वो बर्तन कच्चा था, तो वो मटके को जब आवा में रखा तो उसे पता नहीं था कि तीन बिल्ली के बच्चे छोटे छोटे उसके अंदर हैं। उसने बिना देखे उसको आंच पे रख दिया, आवा पे रख दिया, और जैसे ही उस पे रखा तो जब बिल्ली जब वो आग इतनी ज्यादा धधकी उसके बाद उसकी पत्नी ने संकेत किया कि इसके अंदर तो बिलरिया के बच्चा है, आपने ये क्या कर दिया। तब उसके बाद क्या किया उन्होंने? उन्होंने कहा जिसका कोई रक्षा नहीं कर सकता उसके श्री नाम भगवान रक्षा करेंगे। वही उन्होंने श्री भगवान को पुकारा। तो जेहि कुम्हार आवा के भीतर बर्तन पक गए कच्चा, उसी आवा हांडी के अंदर बच गए बिल्ली के बच्चा। कि जलते आवा ऊपर कुम्हरा के बिलरिया घूमे ले हरदम, भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमे ले, हा नजरिया घूमे ले हरी की नजरिया घूम ले, कि हरदम भक्तन
पर प्रभु जी की नजरिया घूम ले। आग जल रही है उसके ऊपर बिल्ली के बच्चे खेल रहे हैं। ये श्री भगवान का प्रत्यक्ष रक्षा कारिणी शक्ति का वर्धन है। यही कारण है हम लोगों को विश्वास नहीं होता, इस कारण से हम लोगों के अंदर छल इत्यादि दुर्भाव प्रकट हो जाते हैं। और एक और बात है, शील स्वभाव जो है वो परम आवश्यक है। शील स्वभाव किसे कहते हैं? सरलता को ही शील स्वभाव कहते हैं। बिना शील स्वभाव के व्यक्ति की परिणति, व्यक्ति की उन्नति भगवान के दिव्य क्रम जो भक्ति का है उसमें नहीं हो सकती है। मैंने पूज्यपाद भक्ति विद्यंत नारायण गोस्वामी महाराज जी के प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं किए हैं, परंतु मैंने अपने श्री गुरुदेव को देखा है। मुझे स्मरण है कि दिल्ली में जब ईस्ट ऑफ कैलाश के पास जब कथा हो रही थी तो गुरुदेव की कथा चल रही थी, तो उसके बाद जब आखिरी में कथा के बाद जब माला देते, गुरुदेव माला देते हैं, तो ऊपर मंच पर कुछ लोग माला लेने के लिए आए, तो उसमें एक शराबी भी माला लेने के लिए श्री गुरुदेव के पास पहुंचा। तब वो शराबी वो भागवत जी में बैठा था, कुछ देर उसने श्रीमद भागवत जी सुनी थी, तब वो ऊपर आया। मैं गुरुदेव के पास था, क्यों? क्योंकि गुरुदेव के पास ना खाने पीने के आइटम्स बहुत सारे होते हैं, तो जहाँ खाने पीने के आइटम्स होते हैं तो भोजन भट्टे व्यक्ति की क्या होता, दृष्टि खाने पीने के आइटमों के पास ही रहती है, तो गुरुदेव के पास रखे हुए थे, तो मैं गुरुदेव के पास ही था। एक तो ये तो भाना ही था कि माला पकड़ाई गुरुदेव को तो गुरुदेव ने दी माला, या फिर केला पकड़ाया गुरुदेव को तो गुरुदेव के हाथ से प्रसाद लोगों ने, लेकिन वास्तव में कारण तो खाने पीने का ही है सच्ची। तो गुरुदेव माला डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो उस समय वह शराबी गुरुदेव के पास आया, तो गुरुदेव से कहा मुझे माला चाहिए, तो गुरुदेव ने कहा माला नहीं दूंगा, क्योंकि गुरुदेव समझ गए थे इसने शराब पी हुई है, मैं माला नहीं दूंगा। तब गुरुदेव को उसने कहा कि तुम्हें शर्मा, तब उसने गुरुदेव को कहा कि तुम्हें शर्माती है, तो गुरुदेव इतने सहज, इतना शील स्वभाव का उदय देखिए, गुरुदेव ने कहा हाँ भैया मुझको नहीं शर्म आती है, मैं नहीं शर्माता हूँ, मुझे शर्म नहीं आती है, शर्म आती होती तो अभी तक उद्धार ना हो जाता। ये गुरुदेव के शब्द थे। इस कारण से मतलब देखने की बात है, तो फिर उस हमारा क्या मन किया कि अभी उसके ऐसा चपेट दे कि वो उधर दूर तक पहुंच जाए। लेकिन फिर मैंने जब गुरुदेव से कहा, गुरुदेव उसको कहा कुछ नहीं, तो गुरुदेव ने कहा देखो थोड़ी देर पहले वो श्रीमद भागवत जी में बैठा था, और लोग जो बाहर ऊंट पटान के आइटमों में ऊंट पटान की स्थलियों से घूम रहे हैं उससे तो वह श्रेष्ठ था, इसलिए वह प्रणाम करने योग्य था। गुरुदेव के ये शब्द, इसको कहते हैं शील स्वभाव, इसको कहते हैं शील स्वभाव। बिना शील स्वभाव के कुछ भी कर लो, बिना सरलता से कुछ भी कर लो, श्री भगवान कभी प्राप्त नहीं होंगे। जी कितने ही बड़े व्याकरणों के भाष्य बोल दो, कितनी बड़ी साधु सेवा संत सेवा हो जाए, पर बिना सरलता और शील स्वभाव के कभी श्री भगवान प्राप्त नहीं होंगे। ये फैक्ट है। शील क्या है? भगवान ने रावण को शील स्वभाव से ही जीता था। कैसे? जब युद्ध हो रहा था तो रावण, पता चल गया कि रावण आ रहा है युद्ध करने के लिए, तो पता चला तो सारे के सारे वानर घबरा गए। घबरा करके जब हनुमान जी के पास गए तो हनुमान जी साक्षात प्रभु के पास पहुंचे, प्रभु रावण आ रहा है, रावण के पास बहुत महान रथ है, आपके आपके पास क्या है, परंतु आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका रथ बन करके प्रकट हूँ। तो हनुमान जी ने अपने कंधे पे श्री राम जी को बिठाया और रावण और रावण का महाभयंकर संग्राम हुआ। जब संग्राम हुआ तो उसके बाद रावण ने क्या किया, खूब वर्षा करी बाणों की, लेकिन है ना हनुमान जी रोक लेते बाणों को, लेकिन रावण ने देखा ये बंदर सबसे बड़ा काम खराब कर देता है, ये वही बंदर है जिसने अपनी पूंछ में आग, मैंने इसकी पूंछ में आग लगाई, इसने मेरी मूंछ में आग लगा दी, ये वही बंदर है, इस कारण से ये बंदर ही काम खराब करेगा। तो रावण ने क्या किया, तीन बाणों को अभिमंत्रित करके हनुमान जी पे छोड़ा। जब हनुमान जी पे छोड़ा तीन बाणों को, तो वो बाण अभिमंत्रित करते हुए शक्तियों का रूप धारण कर लिया उसने। वो जाते ही हनुमान जी के माथे पर तीनों बाण लग गए और हनुमान जी ने उन बाणों को निकाल करके तोड़ करके फेंक दिया, लेकिन वो रक्त प्रवाह हो गए हनुमान जी के। जब रक्त प्रवाह हुआ तो रक्त प्रवाह होते ही राम जी के दोनों चरणों को हनुमान जी ने पकड़ रखा था, कंधे पर बैठे थे राम जी, तो उनके हाथ पे वो रक्त पड़ा, रावण राम जी की भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई,
भ्रिकुटी विलास जासु लय होई राम वाम दिसी सीता सोई राम वाम दिसी सीता सोई। राम जी को इतना भयंकर क्रोध आया केवल दो घड़ी में, दो घड़ी यानी 45 मिनट में ऐसा घमासान युद्ध किया राम जी ने कि सारे के सारे रावण के अस्त्र शस्त्रों को तोड़ दिया, उसके रथ को तोड़ दिया, केवल उसके पास एक धनुष था टूटा हुआ, उससे ही भगवान राम के अस्त्र शस्त्रों को वो बचा रहा था अपने आप को। रावण ने मन में सोचा कि ये तो वही राम जी हैं, रामो विग्रहवान धर्मः, ये तो राम जी विग्रहवान धर्म हैं, पर इनको पता है मेरे पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, लेकिन ये निहत्ते व्यक्ति पर वार कर रहे हैं, यानी विभीषण गलत था, राम जी का शील स्वभाव नहीं है। पर जब रावण ने देखा ध्यान से, नहीं मेरे पास तो टूटा हुआ आधा धनुष है, ये धनुष जब तक मेरे हाथ में तब तक मैं पूर्ण शरणागत नहीं हुआ, तब उसने आधा धनुष भी छोड़ दिया। तब राम जी ने देखा अब इसके पास कुछ भी नहीं है, तब राम जी ने रावण को कहा जाओ और आराम से विश्राम करो महल में और कल फिर से युद्ध करने के लिए। इसको कहते हैं, जब ये कहा रावण को तो रावण ने देख लिया कि ये साक्षात शील स्वभाव के हैं। उसी दिन सच्ची में वास्तव में रावण तो उसी दिन मर गया था। इसीलिए सुन सीता पति शील स्वभाव, राम जी जैसा शील स्वभाव किसका हो सकता है, और बिना शील स्वभाव, शील स्वभाव मतलब सरलता। एक महात्मा थे, उन्होंने सरल शब्द की व्याख्या करी, बोले सरल मतलब, बोले से रे ल, सरल शब्द किससे बनता है, स र ल, स सीता जी, र राम जी और ल लक्ष्मण जी। जब ये तीनों किसी के हृदय में होते हैं तो वही व्यक्ति सरल होता है। सरल शब्द की व्याख्या ये है। इसीलिए भगवान श्री हरि एकमात्र व्यक्ति के शरणागत वत्सल श्री हरि ही हैं। इन्हीं सब सभी शब्दों के साथ वांछा कल्पतरुश्च कृपासन वृंदावन कथा बोलेंगे, इससे पहले माइक निकल के जा रहा है, माइक तक मना कर रहा है कुछ मत बोल। सब बैठे बैठे काफी समय भी हो गया है तो देखो, भागवतम के अंदर एक प्रसंग आता है जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण अभी 3 महीने के हो गए हैं, 3 महीने पर भगवान ने करवट ली और मैया यशोदा, क्योंकि बुढ़ापे में उनको लालक की प्राप्ति हुई है तो मैया यशोदा को तो एक बहाना चाहिए गो उत्सव करने के लिए। मैया यशोदा ने क्या किया, इसी को उपलक्ष करके उन्होंने सभी गोपियों को बुला लिया। गोपियों को बुला के, पहले के समय में क्या होता था, कुछ भी उत्सव करना होता था तो ढोलकी मंजीरा लेके सब कीर्तन करने लग जाते थे। मैया यशोदा ने सभी गोपियों को आमंत्रित कर दिया नंद भवन में, उत्सव मानो अभी आरंभ होने जा रहा है। अभी लाला कच्ची नींद में, यदि उसकी नींद टूट जाएगी तो उसके दुख को देखते हुए मैया ने क्या किया, उसे अच्छे से नहला धुला के, और वहां पर नंद भवन, कितना विशाल नंद भवन है, उसके अंदर एक कोने में बैलगाड़ी के नीचे कृष्ण को पालने में सुला दिया। उस बैलगाड़ी के ऊपर दूध दही मक्खन इत्यादि रख के, और मैया इधर अपने कीर्तन में बिजी हो गई। वहां पर सब लोग कीर्तन करने लगे, बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय
आज जिस बेटी की शादी है ना, वो बेटी का इधर बुला लो, उसको आशीर्वाद देंगे। थोड़ा फूल ले आओ भैया, वो बच्ची को यहाँ बुला लो और थोड़ा फूल भी इधर ले आओ। फूल इधर, फूल तोड़ लो। प्रभु तो अभी नंद भवन में बड़ा उत्सव हो रहा था, और देखो कीर्तन क्या है, कृष्ण को सबसे ज्यादा अपना कीर्तन ही प्रिय है। भगवान अभी सोच रहे हैं कि मैया ने उत्सव किया मेरे को उपलक्ष करके और मुझे ही कीर्तन के बाहर ले जाकर छोड़ दिया, तो कृष्ण की अभी इच्छा क्या है, मैं भी कीर्तन में जाऊं, मैं भी अपने कीर्तन में शामिल हो जाऊं। भगवान की इच्छा को देखकर भगवान ने सोचा कि मैं क्या करता हूं, रोने लग जाता है, बालकों का अस्त्र क्या है, क्रंदन करना, तो उन्होंने रोना प्रारंभ कर दिया। भगवान रोते 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 परेशान हो गए, किंतु वहां कीर्तन चल रहा था, मैया यशोदा के कान में उनका रोना तो पड़ा ही नहीं। अभी भगवान की इच्छा जानकर योगमाया ने कंस को प्रेरणा दे दी और कंस ने वहां से शकटासुर को भेज दिया। शकटासुर को देखकर शकटासुर किस लिए, भगवान को मारने के उद्देश्य से वहां पर आ गया, और शकटासुर ने उस जिस बैलगाड़ी के नीचे भगवान लेटे हुए थे उस बैलगाड़ी को धीरे धीरे दबाना दबाना चालू कर दिया। दबाते दबाते उनकी क्या इच्छा थी कि कृष्ण को एकदम पीस के रख देंगे। अभी उसकी वो भगवान को मारने की चेष्टा कर ही रहा था, उसी समय पर भगवान ने क्या किया, एक ठोकर मारी और बैलगाड़ी को उछालते हुए सब तहस नहस कर दिया और वहां पर वो असुर जो था वो मर गया। इतना देखकर तो मैया यशोदा, रोहिणी मैया सब लोग बहुत ही हैरान हो गए, वो बड़ी ही आश्चर्यचकित हो गई, कोई आंधी तूफान कुछ भी नहीं, फिर भी ये बैलगाड़ी पलटी तो पलटी कैसे। और देखा वहां पर लाला, लाला तो कुशल मंगल ही था, लाला को कुछ चोट नहीं लगी, सोच रहे थे कि नारायण ने हमारे बच्चे की रक्षा कर दी। उसके बाद ने क्या किया, कृष्ण को वहां से बैलगाड़ी के वहां से उठा के और कीर्तन के बीच में ले आए और फिर से बड़े उत्साह से कीर्तन होने लगा। यहाँ पर हमें टीकाकार लोग शिक्षा देते हैं, देखो काफी लोग उत्सव इत्यादि ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब आयोजन करवाते हैं, किंतु उसके अंदर क्या, भगवान को साइड में रख देते हैं, अर्थात भगवान को उत्सव से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, अगर किसी उत्सव को भगवान को रख के उपलक्ष, भगवान को उपलक्ष करके अगर नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, भगवान ऐसी ठोकर मार देंगे, सब तहस नहस कर देंगे। किंतु आज माता जी ने क्या किया, यहाँ पर साधु संतों को बुलाया, वैष्णव की सेवा करी, महाप्रभु ने क्या बतलाया है कि जीवे दया और वैष्णव सेवा, ये नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन नाम संकीर्तन दुई करे शीघ्र पाए श्री कृष्ण चरण, है ना। महाप्रभु ने क्या शिक्षा दी है कि वैष्णव की सेवा करो और हरिनाम संकीर्तन करो, ये दोनों करने से ही शीघ्र अति शीघ्र कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। अगर भगवान को लक्ष्य रख के, भगवान को बीच में रख के अगर कोई उत्सव करा जाए तब तो वो सचमुच में उत्सव है, किंतु यदि आजकल के लोग क्या करते हैं, मैरिज एनिवर्सरी है, लेट्स पार्टी, शादी से पहले बैचलर पार्टी होती है, दूर कहीं विदेश में घूमने जाएंगे, वहां पर मांस मदिरा शराब पियेंगे और उल्टी सीधे कई सारे काम करते हैं, तो लोग बैचलर्स पार्टी को ये इस तरह से करते हैं, लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति ये नहीं है। क्या है, साधु संतों को बुलाकर जिसका विवाह होगा, जो दूल्हा दुल्हन है उनका स्वस्ति वाचन इत्यादि के माध्यम से ये सारी चीजें करी जाती है, तो उससे क्या होता है, जो आगे जिनकी लाइफ, जिनकी शादी होने वाली है वो भी सक्सेसफुल रहती है, वो भी अच्छे से बीतती है। क्यों, क्योंकि संतों का आशीर्वाद मिला है ना, अभी बता रहे थे ना संतों के हृदय में कौन है, भगवान है, तो संतों का आशीर्वाद यदि मिल रहा है तो मानो भगवान का ही आशीर्वाद मिल रहा है। तो माता जी ने ये उपलक्ष्य करके आज ये उत्सव किया है, बड़ा ही सौभाग्य है, बड़ा ही अच्छा दिन है, यही बोल के मैं अपने वाणी को। अरे एक तो माता को बटवा दो, थोड़ा ज्यादा एक मुट्ठा दे दो, माता पीछे भी दे दो, से भी रखो, फेंका मांगो गए आइए, इधर इधर भी एक इसमें डाल दो, माता जी क्या, माता जी इतने सारे फोटो चाहिए, इधर इसमें भर के क्राउन बोले माता जी बोला, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम Hare Krishna.
मंत्र को पढ़ो। बेटी के पिताजी कहाँ गए? बेटी के पिताजी कहाँ गए? एक नहीं, इधर आप बच्ची को आशीर्वाद दे जाओ। इधर आ जाओ, बेटी को आशीर्वाद दो। हाँ, उनका हाथ में थोड़ा फूल दे दो। प्रभु जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ा फूल ले लो। सुखबीर प्रभु जी आओ, अपना बेटी का आशीर्वाद दे जाओ। हाँ, उनको थोड़ा, उनका हाथ में थोड़ा फूल पकड़वा दो। आप मेरे पीछे पीछे बोलो, बोलो ओम स्वस्ति न गोविंदा, स्वस्ति न अच्युतानंदो, स्वस्ति न वासुदेव, वासुदेव विष्णु विष्णु दधातु, दधातु स्वस्ति न अजना सुत भागवतो दधातु, स्वस्ति 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 सुमंगलैकेशो महान श्री कृष्ण, महान श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन, सच्चिदानंद घन सर्वेश्वरेश्वर दधातु, दधातु माधव, माधव 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 वाची, वाची माधव, माधव 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 हृदि हृदि स्मरन्ति, स्मरन्ति साधव सर्वे, साधव सर्वे सर्व कार्येषु, सर्व कार्येषु माधव, माधव लाभस्ते सा, लाभस्ते सा जयस्ते सा, जयस्ते सा सुतस्ते सा, सुतस्ते सा पराभव, पराभव येषाम्, येषाम् इन्दिवरश्याम, इन्दिवरश्याम हृदयस्थो, हृदयस्थो जनार्दन, जनार्दन श्री कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य, चैतन्य प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद अद्वैत, श्री अद्वैत गदाधर, गदाधर त्रिवासादि श्री, त्रिवासादि श्री गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री राम नृसिंह देव की जय, भक्त श्रेष्ठ श्री प्रह्लाद महाराज की जय, बोले श्री गिरिराज बाबा की जय, बोले श्री लाल प्रभुपाद की जय, सब परिकर गौर हरि की जय, पिताई गौर ब्रह्मानंद हरि हरि बोल। अब लोग अपना हृदय से ये बच्ची को आशीर्वाद दें, जहाँ शादी वगैरह जाए वहाँ पर आनंद और सुख रहे और भगवान की भक्ति करते रहे, इसलिए आप लोग अपना हृदय से बच्ची को आशीर्वाद दो। बोलो मंगलम भवति, कल्याणम भवति, सुखी भवति, गौर आप लोग आशीर्वाद एक दूसरे को दे रहे हैं, पीछे तो सबकी शादी हो रखी है। ठाकुर का आरती करना है, अभी भोग लग रहा है, भोग लग रहा है, एक किलो कर बोले आज बीरज में ¡Gracias!
Thank you.
पार दे रहा हूँ बैठ रहा हूँ अभी वीडियो रही बैठ रहा हूँ दो बार लाए वो चीज़ लाए नहीं मैं बेटा तू तू क्या Ready?
Shri Narmada Ki Jai Shri Narmada Ki Jai Shri Narmada Ki Jai